2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है और तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। एक गठबंधन बना है जिसका नाम INDIA दिया गया है, यानी कि इंडिया। जो गठबंधन में शामिल है उनका ये कहना है कि ये इंडिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि देश टूट रहा है। और देश क्यों टूट रहा है इसका जवाब अभी तक तो ढंग से सामने नहीं आया है, लेकिन हमारे साथ आज विनीत शारदा हैं भाजपा से और प्रदेश की व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष भी है, और अपने बयानों को लेकर और अपनी राजनीतिक समझ को लेकर ये हमेशा चर्चाओं में भी रहते हैं। विनीत शारदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया गठबंधन हुआ है, खतरे की घंटी है क्या एनडीए के लिए? ऐसे गठबंधन अनेकों बार हुए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का शौक अधिकार सबको है, कोई भी देख सकता है, परंतु इनका अहम दल कांग्रेस आई, दिल्ली का केजरीवाल सेकरीवाल, बंगाल की बहन ममता दीदी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश बाबू, अनेकों 26 दल इकट्ठा हुए। जैसे देश में कभी मुगलों ने शासन किया 350 वर्ष और देश को लूटा था, देश की मुगलों से तुलना कर रहे हैं क्या आप इनकी? मुगलों ने शासन किया था 350 वर्ष, देश को लूटा था, देश की अस्मिता खतरे में पड़ गई थी मुगलों के शासन में। उसी प्रकार से बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेजों ने 250 वर्ष देश पर शासन किया, इसी प्रकार से 57 वर्ष देश पर एक पार्टी ने शासन किया, तो उसमें परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, भारत को आतंकवाद से हर स्टेट में बलवे झगड़े दंगे ये कांग्रेस की कोख से पैदा हुए थे। 350 वर्ष मुगलों ने देश को लूटा, 250 वर्ष अंग्रेजों ने देश को लूटा, 57 वर्ष देश को कांग्रेस ने लूटा, 15 वर्ष उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी ने लूटा, 33 वर्ष एक ही पार्टी कम्युनिस्ट ने बंगाल को लूटा, उसके बाद 10-15 साल से लगातार ममता दीदी बंगाल को लूट रही। अब आप समझ सकते हैं ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक साथ चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। कांग्रेस बंगाल में, ममता दीदी के बंगाल में एक दूसरे को एक आंख नहीं सुमाएंगे, कांग्रेस केरला में कम्युनिस्टों से लड़ाई लड़ेगी। मेरा सवाल यह है कि खतरे की घंटी है या नहीं? खतरे की घंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए ना कल थी, ना आज है, ना कल होगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को समर्पित पार्टी है, हम लोग देश को बनाने के लिए निकले हैं। हमारे सबसे बड़े नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत के नाम को विश्व पटल पर ऊंचा किया, जिन्होंने 9 वर्षों में इतनी कल्याणकारी योजनाएं भारत की धरातल पर ला के दे दी जमीन पे, कि आज भारत गांव और खलिहान में बसता है, आज भारत माता बहनों के सम्मान में बसता है, आज भारत छोटे छोटे दुकानदार व्यापारियों की सुरक्षा में बसता है। माता और बहनों पर आ गए आप, व्यापारियों की सुरक्षा पर आ गए आप। मेरठ का ही अगर उदाहरण लें तो व्यापारी की घर के अंदर घुस के हत्या हुई है, और मणिपुर की बात करें तो वहाँ पर आपने भी देखा होगा क्या हाल हुआ, वीडियो वायरल हुई। दंगों की भी आपने बात करी तो हरियाणा में दंगे हो रहे हैं, नूह में हुए हैं। तो सीधा सीधा जो एनडीए है या विपक्ष की पार्टी अगर मैं कहूँ, वो ये सीधा आरोप लगाते हैं। आपने देखा अविश्वास प्रस्ताव लाए 3 दिन, देश का मखौल उड़ाया। भारत का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर लोकसभा होती है, वहाँ पे इस तरीके का मजाक करना, भारत माता को गाली देना, भारत माता को हत्यारा बताना, और फिर चाहते समय वहाँ पूरा देश 140 करोड़ देवतुल्य जनता लोकसभा के मंदिर को देखती है, पूरा विश्व की नज़र भारत पर रहती है, वहाँ जाके इनका राजकुमार, इनका बबुआ फ्लाइंग किस देता है, तो आप समझो ना कैसे लोग हैं, कैसी पार्टी है, क्या चरित्र है,
चरित्र की भी सीमा और चरित्रहीनता की भी सीमा होती है, उसको पार कर दिया। अरे ये जो राहुल गांधी चरित्रहीन है आप ये कह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा उनकी पार्टी का चरित्र इससे साबित होता है। उनके पार्टी का नेता जब इस तरीके की हल्की बात, हल्की हरकत अगर लोकसभा में करे, तो हम जैसे भारतीयों का, अगर हम भारत भारत से बाहर जाएं तो हमारा हमारा हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। आज मेरा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के मान सम्मान को बढ़ा रहा है। फिर वही आ गया मेरा सवाल जो है, उससे थोड़ा सा आप उधर इधर हो जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि कानून व्यवस्था की आपने बात करी, और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमला भर है विपक्ष। आपको कानून व्यवस्था का ध्यान होना चाहिए। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोत वसूली से उत्तर प्रदेश जल रहा था। कैराना हो, शामली हो, रामपुर हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, लगातार व्यापारी पलायन कर रहा था। 2014 में मोदी जी की सरकार, 2017 में योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमने दुरुस्त कर दी। अपराधी या आज जेल में है, या अपराधी को यमराज का पहुँचाने का काम किया, या अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ने मजबूर हो गया और जेल से जमानत लेने को तैयार नहीं। कुछ घटनाएँ हुई हैं, 99% अपराध हमने उत्तर प्रदेश से ख़त्म कर दिए, चाहे आतिक हो, चाहे अंसारी हो, चाहे मेरठ का याकूब हो, कोई भी हो, माफिया और गुंडे माफिया सबको जमींदोज करने का काम अगर किसने किया तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज उत्तर प्रदेश में गुजरात की तरफ पे माता बहनें 2 बजे सड़कों पर सोचे चल सकती हैं। आज मेरा व्यापारी पलायन निकला, उत्तर प्रदेश में उद्यमी आ रहे हैं। आज टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, उत्तर प्रदेश में उद्योग डालने को ललाई थे। हमने 17 लाख करोड़ का टारगेट रखा था निवेश आने का, फरवरी में व्यापारी सबमिट ग्लोबल सबमिट हुई, 34 लाख करोड़ रुपए का व्यापारी सबमिट में निवेश आया। आप समझ सकते हैं आज उत्तर प्रदेश की ओर पूरा देश और विदेश का व्यापारी उद्यमी उत्तर प्रदेश को आशा से देख रहा है। हमने बीमारू प्रदेश को हमने विकसित प्रदेश बनाया, हमने बीमारू उत्तर प्रदेश को एक चौमुखी विकास की ओर ले जाके हमने चौमुखी विकास की गंगा बहाई। प्रदेश में आपने देखा समाजवादी पार्टी की सरकार में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोतवसूली से उत्तर प्रदेश जल रहा था। उत्तर प्रदेश को 25 से 30 साल पीछे कर दिया समाजवादी पार्टी के अखिलेश बाबू ने। क्या इनके पिता मुलायम सिंह यादव जी रहे हो? क्या हालात थी जब कोई बलात्कार की घटनाएं होती थी, कहते जवानों से गलतियां हो जाती हैं, माता बहनें उत्तरों सड़कों पर सुरक्षित नहीं थी, पुलिस सुरक्षित नहीं थी, देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता सुरक्षित नहीं थी, मेरा व्यापारी सुरक्षित नहीं था, किसान सुरक्षित नहीं था, कौन सुरक्षित था उत्तर प्रदेश में? 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश को हमने विकास प्रदेश बना दिया। उत्तर प्रदेश आज चौमुखी विकास की ओर है। प्रत्येक जिले मेडिकल कॉलेज खुलने हैं, प्रत्येक 15 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं, फिलहाल एक्सप्रेस वे आज 9 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। आप समझिए ना उत्तर प्रदेश की गाथा। मैं ये कह सकता हूँ, आपने कहा कि विपक्ष 26 जिलों का दल, ये इंडिया इन्होंने नाम रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 250 वर्ष मेरे देश को लूटा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर नाम चुरा के इंडिया रख रहे हो। अरे एक तरफ विपक्ष का इंडिया है तो दूसरी तरफ मोदी और योगी का भारत है। मेरा भारत गांव और खलिहान में बसता है, मेरा भारत माता बहनों के सम्मान में बसता है, मेरा भारत छोटे छोटे व्यापारी दुकानदारों के सुरक्षा मैं बसता है, मेरा भारत युवाओं को रोजगार देने में बसता है, मेरा भारत गांव और खलिहान की आवाज़ में बसता है। हमने उत्तर प्रदेश और देश को चौमुखी विकास पर लाए, और ये एक अलीबाबा 40 चोर की बारात। ये एक बार फिर से कहिएगा क्या कहा? ये जो इंडिया की 26 दलों की बारात है, ये एक अलीबाबा 40 चोर की बारात है। और दूसरी तरफ मैंने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा था कलयुग जब भर जाएगा मैं जन्म लूँगा, तो मोदी के रूप में कृष्ण आ गए हैं, योगी के रूप में अर्जुन आ गए हैं। एक तरफ कृष्ण अर्जुन की सेना होगी, दूसरी तरफ ये 26 दलों की एक अलीबाबा 40 चोर की बारात होगी। भारत की 140 करोड़ देवतुल्य जनता फैसला करेगी कि 2024 में अपने कृष्ण को जिताना है और अपने अर्जुन की सेना को जिताना है। आप देख लीजिएगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। ये तो कलयुग चल रहा है, और कलयुग में आप कह रहे हैं कि अवतार ले लिया है कृष्ण जी ने। तो कलयुग में जब कहा जाता है कि राक्षस का जब विनाश होगा तो धरती खत्म हो जाएगी, धरती खत्म हो जाएगी क्या अगर ऐसा हो गया? मैं कोई भविष्य करता तो हूँ नहीं मित्र, मैं तो एक छोटा सा, आपने भविष्यवाणी तो करी है, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं मेरे शरीर के कौन कौन में हिंदुत्व जिंदा है,
मेरे कौन कौन में, मैं तो पहले कहता हूँ राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी मेरी आत्मा है। मैं अपनी आत्मा के जीवन के लिए जीता हूँ। और मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारत में 400 से ऊपर कमल खिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और ये जो एक अलीबाबा 40 चोर की बारात 26 दलों की इकट्ठा हुई है, मुझे तो ये भी लगता है 2024 से पहले पहले ये छुटमुट फुटमुट हो जाएंगी और मोदी मोदी लहर, मोदी मोदी होगा, बाकी सब खत्म है। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें जो टिकी हुई है वो RLD पर टिकी हुई है। RLD मतलब जयंत चौधरी। जयंत चौधरी का जो अभी बयान आ रहे हैं या वो मीटिंग में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हर चीज़ पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री से 9 में से 8 विधायक मिले हैं, क्या आप भी चाहते हैं कि जयंत चौधरी RLD NDA से गठबंधन कर ले? देखिए दोस्त, भारतीय जनता पार्टी आज बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे यहाँ बहुत से घटक, बहुत से क्षेत्रीय दल आए हैं, उनका हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने सम्मान किया है। अगर चौधरी साहब भी आते हैं तो मैं समझता हूँ हम और हमारी पार्टी उनका स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। तो अगर ये इंडिया के साथ जैसे अभी हैं, इंडिया के साथ ही रहते हैं तो इनकी इनके आप क्योंकि राजनीतिक समझ तो रखते हैं, आपने उंगलियों पे गिना दिया क्या क्या फ़ायदे भाजपा सरकार ने जनता को दिलाए हैं, तो मैं उसी समझ के हिसाब से आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये इंडिया में ना आके या इंडिपेंडेंट लड़ते हैं या इंडिया के साथ जाते हैं तो क्या होगा जयंत चौधरी का? उनकी भी राजनीति है, उस पर मेरा बोलना उचित नहीं है। जयंत चौधरी साहब देश के बड़े नेता, किसानों के मसीहा, पूज्य चौधरी चरण सिंह साहब के पोते हैं, तो इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। खुद मैं चौधरी चरण सिंह साहब का बहुत सम्मान और दिल से गहरा सम्मान करता हूँ। तो क्या जयंत चौधरी अभी भी छवि अपने दादा की लिए हुए हैं? आने वाले चुनाव में पता चले, मैं नहीं कह सकता इसमें। अभी तो हाल फिलहाल में 2022 का भी चुनाव गया, निकाय चुनाव भी गए, उपचुनाव भी आपने देख लिया, आपके सामने रिजल्ट है, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में 2022 में जीती, आपने देखा 2019 में प्रचंड बहुमत से लोकसभा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीते, आपने देखा। लेकिन टक्कर 2022 चुनाव में RLD ने दिए पश्चिमी, आपने देखा निकाय चुनाव में 17 के 17 महापौर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीते, 17 के 17 कमल हमने खिलाए। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि RLD के पार्षद बने हैं, सभासद बने हैं और अधिकांश चेयरमैन हमारे जीते, अधिकांश पार्षद हमारे जीते। ये तो भैया लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। चुनाव में RLD ने मुजफ्फरनगर की, भैया मेरे तो पूरे देश पे क्या भारतीय जनता पार्टी, देखिए भाई मेरे दोस्त, चुनाव है, हार जीत लगी रहती है, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है। अगर हमारे NDA के साथ BJP को फायदा होगा फिर पश्चिमी UP। देखिए दोस्त जी, मेरा, मैं पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, किसी से मेरा कोई कहना उचित नहीं होगा, इसको मेरा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व देख रहा होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। पर मैं तो कहूँगा जो भी हमारे केंद्र और प्रदेश नेतृत्व का जो हमारा फैसला है उसके लिए हम जैसे कार्यकर्ता उसका हम सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे। अपने नेतृत्व का फैसला हमारे लिए भगवान का फैसला होता है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये थे विनीत शारदा जी, जिनका ये कहना है कि अगर RLD 2024 चुनाव से पहले NDA में शामिल होती है तो कहीं ना कहीं वो उनका स्वागत करेंगे और ये भी बातों बातों में गोल गोल करते हुए नजर आए हैं कि वो फायदा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे ये वक्त ही बताएगा। अनुषा मेडिकल उत्तर प्रदेश में। Thank you.